Guys, it's Prachi and welcome back to my channel. अगर आपने शक्ल first time देखी तो channel को subscribe करना मत भूलना और video पसंद आती है तो please इसको like करना. अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक Z5 original movie Bob Biswas के बारे में. हम almost सबने movie 2017 की movie कहानी starring विद्या बालन देखी थी जहाँ पे character था Bob Biswas का जो इतना ज़्यादा popular हो गया था. इतना छोटा role था उनका लेकिन वो character को इतनी ज़्यादा praises मिली थी कि उस पर एक spin-off movie बनाई है Bob Biswas जिसमें आप अभिषेक बच्चन और चित्रांगदा को देखने वाले हैं. Now overall अगर एक word में देखनी है या नहीं तो I will suggest you can watch this movie. It is a good movie. 2 घंटे 11-12 मिनट के आसपास की मूवी है. इस मूवी की अच्छी चीजें ये है अभिषेक बच्चन एज बॉब बिस्वास हैज जस्ट नेल्ड इट. मतलब मूवी कहानी शुरू होती है अभिषेक बच्चन कोमा से बाहर आते हैं एंड ही इज लॉस्ट ऑल हिज मेमोरी एंड कैसे वो बॉब बिस्वास के कैरेक्टर में घुलते जाते हैं. जैसे हमें एक एक चीजें अबाउट बॉब बिस्वास पता चलती है. अभिषेक बच्चन बॉब बिस्वास के कैरेक्टर के साथ लिटरली एक हो गए थे. आई रियली लव्ड द वे ही वॉज वॉकिंग, डायलॉग डिलीवरी, वो कन्फ्यूजन जो दिखा रहे थे, आई रियली लव दैट. तो अभिषेक बच्चन एज बॉब बिस्वास वॉज रियली गुड. लेकिन कहीं कहीं पर आई रियली फेल दैट द कहानी वॉज गेटिंग अ लिटिल स्लोअर एंड जो टेंशन इंटेंसिटी एक थ्रिलर से आप एक्सपेक्ट करते हो ना, वो बीच में एक जगह आती है वहाँ पे फ्लैट पड़ रहा था. ओवरऑल कहानी की अगर बात करूँ तो कहानी एंगेजिंग है राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड. लेकिन देर इज अ पार्ट एट द सेंटर ऑफ द मूवी, सेंटर के थोड़ा पहले, जो आपको लगता है कि मूवी की जो इंटेंसिटी और जिस तरह से मूवी में टेंशन होना चाहिए वो ड्रॉप हो रहा है. अगर मूवी की एडिटिंग और क्रिस्प की जाती तो शायद वो बीच का जो पार्ट है ना वो इतना ज्यादा वो ड्रॉप डाउन हुआ है ऐसा नहीं लगता. जो कैरेक्टर्स है मूवी में वो भी कैसे लिंक्ड है वो देखना भी बहुत अच्छा लगता है. और कि जिस तरह से हमको बॉब बिस्वास का एक एक लेयर एक्सप्लोर करने मिलता है, वो लेयर बाय लेयर जिस तरह से हमें बॉब बिस्वास पता चलते हैं, इट इज इवन मोर एक्साइटिंग एंड इंट्रीगिंग टू नो दैट कैरेक्टर. बॉब बिस्वास ओवरऑल मूवी काफी अच्छी है. राइट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर टिल द क्लाइमैक्स, यू ऑल्सो एंजॉय द क्लाइमैक्स. चित्रांगदा का इतना कुछ मेजर रोल नहीं है. शी इज़ द वाइफ ऑफ बॉब बिस्वास. आई डोंट नो, इतना ज़्यादा रोल भी नहीं है और इतना कुछ मेजर रोल भी नहीं है. शी वॉज ओके, शी वॉज गुड. बहुत सारे छोटे छोटे एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश की है. ओवरऑल जो सिनेमाटोग्राफी इस मूवी की वो अच्छी लगेगी. इट विल बी वेरी गुड एज पर एक थ्रिलर, एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी में जिस तरह से होता है सिनेमाटोग्राफी, वो डार्क थीम यूज़ किया है, वो अच्छा लगेगा. म्यूजिक भी अच्छा है. कहीं कहीं जगह पे वो इंटेंसिटी ऐड कर रहा था, कहीं कहीं जगह पे म्यूजिक वाज नॉट एक्सटेंसिवली यूज्ड. बट हाँ, ओवरऑल बैकग्राउंड एवरीथिंग हैज केप्ट द सेम. एवरीथिंग इज द सेम. वो एक इंश्योरेंस एजेंट होते हैं एंड ही किल्स फॉर लाइक इन बिटवीन वर्क. तो या वही था. ओवरऑल मूवी आपको देखनी चाहिए. कुछ कुछ जगह पे मूवी थोड़ा ड्रॉप करती है लेकिन वो पिकअप भी कर लेती है. कहानी अच्छी है, स्क्रीन प्ले एंगेजिंग है, मूविंग है. बीच का पार्ट छोड़ दो, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लगेगा, सिनेमाटोग्राफी अच्छी लगेगी, डायरेक्शन भी अच्छा लगेगा. दी ओनली थिंग इज मुझे लगता है 15-20 मिनट्स तो आराम से मूवी के कट हो जा सकते थे जिससे मूवी और ज़्यादा टाइट और एंगेजिंग बनती. एंड परफॉर्मेंस वाइज अभिषेक बच्चन नेल्ड इट. चित्रांगदा का इतना ज़्यादा रोल नहीं था. या सो ओवरऑल इट इज़ अ गुड मूवी, यू शुड वॉच इट वंस. ये बेटर हो सकती थी फॉर श्योर, लेकिन एक डिसेंट मूवी है. ऐसी नहीं कि आप देख के आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतना तो पक्का है. सो या गाइस, ये थे मेरे थॉट्स ऑन बॉब बिस्वास. लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो और हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं. बाय गाइस एंड